नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम भरत। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि फेसबुक अकाउंट कैसे डिलीट करें। काफ़ी सारी बार ऐसा होता है कि हम बाय मिस्टेक से, भूल से, हम एक से ज़्यादा अकाउंट बना लेते हैं और जब हम लॉगिन करते हैं तब 2 से 3 ईमेल आईडी जो है, फेसबुक अकाउंट की ईमेल आईडी जो है वो बता रहे हैं और हमें ये भी नहीं पता चलता कि कौन सी एक्टिव है और कौन सी यूज़ नहीं करते हम। तो एक से ज़्यादा अगर आपकी ईमेल आईडी है, फेसबुक अकाउंट ईमेल आईडी है और आप डिलीट करना चाहते हो तो वो डिलीट कैसे करें, उसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक आपको रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी तरह का यूज़फुल वीडियो मैं हर दिन लाता रहता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे मोबाइल में सबसे पहले हम फेसबुक अकाउंट ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे तो फेसबुक अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ इस तरह इंटरफेस होगा। यहाँ ऊपर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ से लास्ट में 3 लाइन जो दिखाई दे रही है उसी पर हमें क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस होगा। यहाँ आपको सेटिंग्स में जाना है। तो यहाँ सेटिंग्स एंड प्राइवेसी करके यह जो ऑप्शन है उसी पर हमें क्लिक करना है। तो उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ फिर से सेटिंग्स में क्लिक करना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ आपको पहला जो ऑप्शन है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, इस तरह ऑप्शन जो है वो मिल जाता था, लेकिन वो नया जो अपडेशन अभी आया है फेसबुक में तो वो ऑप्शन जो है वो डिलीट कर दिया है। इसके अलावा ये जो पहला ऑप्शन है उसी पर हमें क्लिक करना है, पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन, तो उसी पर हमें क्लिक करना है। तो उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ इस तरह इंटरफेस होगा। इसमें से हमें लास्ट ऑप्शन में जाना है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, तो उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस होगा। यहाँ हमें सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है डीएक्टिवेशन एंड डिलेशन, तो उसी पर हमें क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस होगा। लास्ट में यहाँ सबसे पहले जो है डीएक्टिवेशन अकाउंट बता रहा है। अगर आपको डीएक्टिवेशन अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेशन करना है, डीएक्टिवेट करना है, तो पहला सिलेक्ट करना है, लेकिन हमें तो अकाउंट जो है वो परमानेंट ही डिलीट कर देना है, इसीलिए हमें सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ सेकंड नंबर का ऑप्शन है वो सिलेक्ट करके यहाँ हमें कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन, उसी पर हमें क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ रीज़न बताएंगे कि भाई कौन सा रीज़न से आप ये अकाउंट जो है वो डिलीट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ कोई भी रीज़न नहीं दूंगा और कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन पे क्लिक करूँगा। तो हम इस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद कुछ इस तरह इंटरफेस होगा। यहाँ आपको नीचे चले जाना है और यहाँ डिलीट अकाउंट का ऑप्शन है तो उस पर हमें क्लिक करना है। उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ आपको फिर से एक बार पासपोर्ट डालना है और पासपोर्ट डाल के हमें कंटिन्यू करना है। तो मैं अपना पासपोर्ट डाल देता हूँ। पासपोर्ट डालने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस होगा। यहाँ आपको डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर देना है, लेकिन उस पर उससे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि 30 दिन तक आपको ये अकाउंट जो है अभी लॉगिन नहीं करना है। 30 दिन के बाद आपका अकाउंट जो है अभी परमानेंट ही डिलीट हो गया है, लेकिन 30 दिन के अंदर ही आप अगर ये अकाउंट रिकवर करना चाहते हो तो रिकवर कर सकते हो, लेकिन अगर डिलीट ही परमानेंट करना है तो 30 दिन तक आपको यहाँ आपको लॉगिन नहीं करना है, इस आईडी से लॉगिन नहीं करना है। तो हम डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर देते हैं। फिर से एक बार यहाँ लॉगिन करने के लिए कह रहा है, तो मैं पहला जो अकाउंट डिलीट करना चाहता हूँ वो मैं लॉगिन कर दूंगा। यहाँ मैं मेरा पासपोर्ट डाल दूंगा। पासपोर्ट डालने के बाद यहाँ नीचे लॉगिन कर दूंगा। यहाँ तारीख भी लिखी हुई है कि कौन सी डेट पर आपका जो अकाउंट है वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हो। और यहाँ आपको ये जो स्कीम जो है डिलीशन की जो सिस्टम है वो शुरू रखने के लिए यहाँ आपको सिर्फ लॉग आउट करना है, यस कंटिन्यू टू फेसबुक नहीं करना है। तो यहाँ सिर्फ लॉग आउट कर दोगे तो 30 दिन के अंदर ही आपका जो अकाउंट है वो डिलीट हो जाएगा। तो मैं सिर्फ यहाँ से लॉग आउट कर दूंगा, आप देख सकते हो यहाँ।
यहां लॉगआउट पर क्लिक करूंगा। तो इस तरह आप फेसबुक की कोई भी एक्स्ट्रा ईमेल आईडी है, अकाउंट है, उसको डिलीट कर सकते हो। आज का वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं हर दिन लाता रहता हूँ।